एक तरफ तो शासन सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने की बात करती है, वही शासन दूसरी ओर जैसे श्याम रानी के पति की मौत हो जाने के 2 महीने बाद बीत जाने के बाद भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। परेशानी जा है कि अब जो उनका माँ बीमार है ते मृत्यु हो गए, मृत्यु हो गए, अब हम 3 बच्चा हैं, समाचार नहीं चल रहा है। तो पापा की मौत कैसे हुई आपके? बीमार थे। क्या हुआ था उनको? उनको टीबी था, इलाज भोपाल कराया, इंदौर, नौगांव, छावनी, सागर, नागपुर कराया। इलाज कराने के लिए आप लोगों ने कहाँ से पैसा वगैरह लाया? कर्जा लिया था। कितना कर्जा लिया? 1 लाख रुपये। ये कैसे चुकाएंगे आप? अबे भाई, जब मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके चुकाएंगे। अब भी बनाते हैं जी। तो कितना पैसा उसमें कमा लेते हैं हफ्ते में? हफ्ते में 100 रुपया। अभी दिक्कत हो रही है, घर में पैसा नहीं है, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो इच्छा हो रही है पढ़ाई करूँ या ना करूँ, पैसा नहीं है तो सरकार से पेंशन बन जाए, चल चल जाएगा। तब अकेले बड़ी पत्ता करते होते में चल रही, एक लड़का पढ़ भी रहा है, एक विकलांग हूँ मैं, सुबह काम को नहीं है। तो आप सरपंच के पास कितनी बार गए थे? सरपंच के साथ 2-3 भी लड़का हुआ, जय बोलते थे हमारे महीना बंधवा देंगे, बंधवा देंगे, पेंशन मिलेगी मिलेगी, जय बोलते थे। सरकार से जो चाहता है कि मोर विकलांगों में बच्चा है, वो कुल भी पेंशन बन जाए, हमारी भी पेंशन बन जाए। इनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिलाने के लिए हमारे जैसी नगर विकास खंड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंजना नागर हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9907046460 पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं रामसखी, ग्राम खमरिया, जिला सागर, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए।